क्या IMF माहदे के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर पे मजीद जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं? क्या आने वाले वक्तों पे प्रॉपर्टी पे फिर एक बुरा वक्त आने वाला है, या फिर आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी जो है दोबारा स्टेबल होने जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी स्टॉक के साथ आप लोगों की खिदमत में आज फिर हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है उसको बनाने का मकसद जो है वो कुछ अपडेट्स हैं और कुछ अपने एनालिसिस हैं जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो IMF की एक न्यूज़ गर्दिश में थी कि IMF से जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं, और बहुत ही गुड न्यूज़ है कि IMF से स्टाफ लेवल का जो मतलब मुआहदा है वो साइन हो गया है, और नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में जो है वो ऑलमोस्ट जो है $70 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। तो उसके जो मेन इम्पैक्ट है वो आप लोगों ने भी देखा होगा मार्केट के अंदर, डॉलर के रेट वगैरह जो हैं वो भी मतलब जो है क्योंकि बाहर की जो आपकी एड है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो डॉलर भी जो है उसका रेट कुछ थोड़ा सा नीचे आया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से से कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसका जो मुंह बोलता सबूत है वो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इस चीज़ को मतलब जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो सरमायाकार है वो अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है कि हम लोग जो हैं अपने पैसों को जो है वो इन्वेस्ट करें। एक ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ड हो रहा है, जैसे IMF ने अपना एक ट्रस्ट पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल पे शो किया है। इसी तरह ओवरसीज़ जो रेमिटेंस है उसका भी बताया जा रहा है कि मतलब जो पिछले दिनों के अंदर और पिछले कुछ महीनों से एक मामला चल रहे थे कि ओवरसीज़ जो है अपने रेमिटेंस नहीं भेज रहे थे या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, और ओवरसीज़ जो मतलब आपका एक काफ़ी अच्छा इनफ्लो होता है मतलब डॉलर्स का या इन्वेस्टमेंट का, वो बिल्कुल पिछले कुछ अर्सा पहले ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर था, जो कि अब फिर रिवाइव होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छा साइन जो है वो दे रही हैं, जिससे मतलब जो है ये अज्यूम किया जा सकता है और हम लोग इस चीज़ को असेस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर आपकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर होना स्टार्ट हुई है आपके, आप डॉलर रेट थोड़ा कम हुआ है और मज़ीद जो है वो गोल्ड रेट भी आज जो है वो शायद 3 से 4 हज़ार कम हुआ है। तो अल्टीमेटली जो ये चीज़ें हैं ये मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बड़ी फिजिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है और एक स्टेबल जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है, तो ये चीज़ जो है वो एक ग्रीन सिग्नल दे रही है कि आने वाले वक्तों में जो है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर भी पाकिस्तान की तरफ रुझान करेगा, और लोकल जो इन्वेस्टर है जिन्होंने अपने मतलब पैसे वगैरह होल्ड किए हमें और मार्केट में नहीं लेके आ रहे, तो वो भी अपने जो मतलब एक कैश है या इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में जो है वो लेके आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर कोई खासा नॉलेज जो है वो दरकार नहीं होता, जैसा कि मतलब दूसरी किसी मतलब ट्रेड के अंदर, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, कमोडिटीज़ है, या मतलब कोई भी इस तरह का कारोबार है उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो आपको गाइडलाइन और एक बैकग्राउंड चाहिए। रियल एस्टेट में तो कोई लेमैन भी जो है वो इन्वेस्ट कर लेता है इसी सोच के साथ कि आने वाले वक्तों में ये उसका एसेट जो है वो एक तो डेवलप हो जाएगा और प्लस उसको कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नाज़रीन आज की वीडियो जो है वो बनाने का मकसद यही था कि आपके साथ अपने जो रिव्यूज़ हैं और एनालिसिस हैं उसको शेयर कर सकें। तो वो लोग, वो दोस्त, वो भाई जो पूछते थे कि हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर ली हुई हैं और अब हम उनको सेल करना चाहते हैं, तो जिस रेट पर हम लोगों ने बाई किए थे अब वो रेट भी नहीं मिलता, बल्कि उससे भी कोई 20% 30% जगह के हिसाब से हम लोगों को कम मिलता है, वो भी ऑफर्स ना होने के बराबर है। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये 6 से 8 महीनों में वक्त आने वाला है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये दोबारा जो हैं वो मल्टीप्लाई होने जा रही हैं और आपके एसेट जो हैं वो मच्योर होने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो पैनिक सिचुएशन से आप निकलने का टाइम है, आप पैनिक नहीं होना और थोड़ा सा होल्ड करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।